नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं की पोल खोलती ग्राम पंचायत नजर आ रही है, जहां आज तक गरीब वृद्ध को योजना का लाभ नहीं मिला है। पूरा मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत नवाटोला चंदोरा का है, जहां टूटी फूटी घर में रहने को मजबूर अब्दुल खान को आज तक घर नहीं मिल पाया है। पीएम आवास योजना का घर सरकारी योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? इस बारे में जब विषय पड़ताल के लिए हमारी टीम नवाटोला चंदोरा पहुंची, तो वहां के वृद्ध के द्वारा बताया गया कि सचिव बोल रहे हैं कि हमको पैसा दो तभी योजना का लाभ दे सकते हैं। आखिर गरीब किसके पास सुरक्षित रहने के लिए घर नहीं है तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? कुल मिलाकर सभी दावे शासकीय योजनाओं की पोल खोलते हुए साबित हो रहे हैं। वहीं कुछ माह पहले शौचालय निर्माण कार्य पूरा किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक ग्राम पंचायत के कर्मचारी उस वृद्ध को आधा अधूरा शौचालय निर्माण पड़ा है कि वह शौचालय निर्माण ग्राम पंचायत ने कागजों में दिखा कर रखा है। कुल मिलाकर शासकीय योजनाओं को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। शौचालय जो बना है बाबा जी साहब, तो कौन बनवाया था ये? ताज तो ऑर्डर दिया था साहब बनवाने के लिए। अपने से तुम बनवाए हो जी? और पैसा मिला इसका? नहीं मिला। कितना पाई थी? एक को पैसा नहीं पाया। एक पैसा नहीं पाया शौचालय का? नहीं पाया। सिक्योरिटी साहब के पास नहीं गए? गया था, भगा देता है, कहता मैं कुछ नहीं जानता, तुम जानो, नहीं जाओ अदालत में। कहा थे क्या बोलते हैं? अदालत में जाओ। हाँ जाओ अदालत जाओ। अच्छा, रिपोर्ट करो हमारे नाम जी। हाँ चलिए, वही भगा दिए और पैसा लेके भाग दिए। कौन महीना में गए रहा बाबा तुम पैसा नहीं करवावे? ये करीब एक महीना डेढ़ महीना हो गया साहब, एक डेढ़ एक माह। और ये आपको घर नहीं मिला पीएम आवास? क्या बोलते हैं सिक्योरिटी साहब? और सिक्योरिटी साहब कहते हैं घूर देता, हम चलब तोर साथ तक तोर काम करवो। कितना पैसा मांगते हैं? अब 400-500 कहते हैं। 400-500 गड्ढे घूस तो हम चलब तोर साथ तो फिर काम करवो। सिक्योरिटी साहब का नाम मालूम है? हाँ, ढीमरा यार, दूलम दूलम नाम। हाँ दूलम नाम है। हाँ जी, चलिए ठीक है। अरे वो साहब तो देख ली, फाटमो को देख ली, यहाँ आपका अब्दुल नाम है। अब्दुल नाम है जी साहब। तो आपका क्या परेशानी है? अब परेशानी यह है कि पैसा मिल जाए साहब तो मोर परेशानी दूर हो जाते। तो पैसा